check out quality, bro. Question check quality. Nice, bro. Looking nice. Good quality. Hair is also nice. No infections. Okay. Then last time we take this car. Yeah. So it guided me. And say, yeah. How is quality? Quality is very nice. Okay. I'm a designer to get a car. Okay. He guided me very well. It's nice. And the price? Price also is okay, nice. I collected cat in Bangalore, means it's very costly. Bangalore, so, yeah, comparatively, Bangalore is okay, nice, fine. Like it's very affordable. Yeah, thank you. पर्शियन कैट के जो जो फूड के आइटम्स चाहिए सब मैं आज मेरा कस्टमर को लेके देने वाला हूँ, और किस तरह यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो पे दिखाने वाला हूँ दोस्तों। मैं जो है कैट के लिए ये वाला फूड यूज़ करता हूँ, मियाओ किटन फूड पर्शियन फिश 1 kg 100 ग्राम का। इसका प्राइस जो है 450 रुपीज़ समथिंग है। और ये जो है हिमालय शैम्पू कैट को नहलाने के लिए, इसका प्राइस है 270 रुपीज़ है। ओके, और दूसरा वाला क्या लेना है? ओके, इसमें ये जो है क्रीम ट्रीट्स कैट के लिए, और ये 3 कैट के लिए ग्रेवी है फूड के साथ मिक्स करके देने के लिए, ठीक है। और कैट के लिए अच्छा वाला बेल्ट लेना चाहिए, ये वाला बेल्ट, इसका प्राइस जो है 250 रुपीज़ है, ठीक है। काट के दिखाऊंगा आपको, देखिएगा। ओके, और दूसरा क्या? और दोस्तों ये जो है लेटर सैंड, इसका प्राइस जो है 450 रुपीज़ है 5 kg का, ठीक है। कैट का हेयर मेंटेन रखने के लिए कॉम लेना चाहिए, ये वाला कॉम मैं मेरा कैट को यही यूज़ करता हूँ, इसका प्राइस जो है 200 है। और कैट का फूड ट्रे चाहिए, ये वाला सिंगल फूड ट्रे है भाई, डबल फूड ट्रे जो आता है ना वो वाला है क्या आपके पास इधर? नहीं। ओके दोस्तों, ये जो है लीटर स्कूप है लीटर क्लीन करने के लिए, ठीक है। और लीटर ट्रे भी चाहिए, मैं लीटर ट्रे भी लेने वाला हूँ अभी, ये वाला देख रहे होंगे, ये जो है लीटर ट्रे। लीटर स्कूप का प्राइस जो है 100 है, और इसका लीटर ट्रे का जो है 150 है भाई। तो दूसरा शॉप से जो फूड का ट्रे आता है, दो साइड वाला, एक पानी के लिए और एक फूड के लिए, वो ट्रे लेके आ चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देखिएगा। शायद उसका प्राइस होता है 150-200 कुछ है। ओके, 150 रुपीज़ है। ये कैट मेंटेन करना तो इतना सब आइटम चाहिए दोस्तों, देखिएगा आप लोग, ये सब आइटम एक पर्शियन कैट मेंटेन करने के लिए चाहिए, ठीक है। और ये सब किस तरह यूज़ करना चाहिए सब मैं आप लोग को इस वीडियो पे दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो है लीटर ट्रे है, इसके अंदर लीटर सैंड डाल के रखना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना लीटर सैंड डालना चाहिए। थोड़ा सा लीटर सैंड डाल के एक लेवल पे रखना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा सा, क्योंकि लीटर सैंड जो है ज़्यादा डालने से वेस्ट कर देते हैं कैट से। लीटर सैंड ज़्यादा सा नहीं, थोड़ा सा डालने का है, देखिएगा इतना डालना चाहिए, ठीक है। बेबी कैट है तो इतना डालिएगा, और बहुत बड़ा कैट है, एडल्ट कैट है तो थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग देना चाहते हो तो कैट का एक पैर जो है इस तरह करना चाहिए, बाद में वो ये समझ लेगा कि इसमें ही करना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ऑलरेडी वो समझ चुका है। और दोस्तों क्लीनिंग जो है लीटर स्कूप से इस तरह काट के क्लीन करना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये जो है ट्रीट है,
आप ये ट्रीट में आपका पर्शियन कैट को ट्रेनिंग दे सकते हो, बहुत टेस्टी वाला ट्रीट है, ठीक है, मियाँ वाले का। देखिएगा क्या बढ़िया खा रहा है। ओके और दोस्तों ग्रेवी जो है फूड के साथ मिक्स करके दिएगा तो बहुत अच्छा तरीके से खाएगा और कैट भी बहुत हेल्दी रहेगा, साइज में भी थोड़ा सा अच्छा गेन हो जाएगा ग्रेवी के साथ मिक्स करके दिएगा तो। और आप सिर्फ ड्राई फूड ही देंगे तो फूड भी थोड़ा कम खाएगा, ग्रेवी के साथ देंगे तो देखिए इसका टेस्ट किस तरह चाट रहा है मेरा उंगली। चल मिनो लेखा, देखिए दोस्तों कितना अच्छा तरीके से खा रहा है, सब खा के ख़त्म करेगा, मुझे इतना भरोसा है कि इतना ये जो ग्रेवी है बहुत बढ़िया टेस्टी ग्रेवी है। और दोस्तों ये जो है कोम, आप लोग जो है कोम करने में नीचे की तरफ कोम करना चाहिए, ठीक है, डेली एक टाइम तो भी कोम करना चाहिए पर्शियन कैट को, डेली एक टाइम तो भी, क्योंकि कैट का हेयर मेंटेन रहना चाहिए ना, इसलिए